नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। खगोलविदों को यूनिवर्स में अनेक तरह के एक्सोप्लैनेट दिखाई देते हैं। इनकी खोज करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी है, जिसके बाद इनका अध्ययन करना और भी मुश्किल काम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सोप्लैनेट के बारे में, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हाल ही में खगोलविदों को सौरमंडल के बाहर एक ऐसा ग्रह मिला है जिसमें उन्हें ज्वालामुखी गतिविधि देखने के संकेत मिले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये पता लगाया है कि ये ज्वालामुखी गतिविधियां ग्रह के केवल आधे हिस्से में हो रही होंगी। LHS 3844b पृथ्वी से थोड़ा बड़ा ग्रह है, जहां पर ज्वालामुखी गतिविधियों के होने की संभावना का वास्तव में उन्नत सिमुलेशन के आधार पर किए गए अवलोकनों से पता चलता है। वैसे तो इस रिसर्च में इस ब्रह्मांड पर वायुमंडल के होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इस नया ग्रह का आधा हिस्सा सूर्य की तरफ रहता है। इसका अधिकतम तापमान 800 डिग्री सेल्सियस है, जो दिन वाले हिस्से में होता है, जबकि रात वाले हिस्से में इसका तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। स्विट्जरलैंड की बर्न यूनिवर्सिटी के खगोलविदों ने बताया कि हमें पहले लगा था कि चरम तापमान विरोधाभास के कारण ग्रह के आंतरिक भागों में पदार्थ बहाव का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस ब्रह्मांड की चमक और संभावित तापमान और कंप्यूटर मॉडल से ज्वालामुखी सामग्री और ऊष्मा के स्रोतों का सिमुलेशन किया और उनके फेज कर्व अवलोकनों के आधार पर वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि इस ग्रह के एक ही गोलार्ध में सतह के नीचे पदार्थ का बहाव हो रहा है। शोधकर्ताओं के ज्यादातर चलाए गए सिमुलेशन दर्शाते हैं कि ग्रह के एक हिस्से में ऊपरी बहाव होता है तो दूसरे हिस्से में नीचे की ओर बहाव होता है। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि कुछ मामलों में उल्टा पाया गया, जो पृथ्वी की टेक्टोनिक गतिविधियों से मेल नहीं खाता। खगोलविदों ने कहा है कि पृथ्वी की तरह ये उम्मीद की जाती है कि दूसरे ग्रहों पर ही दिन के हिस्से में पदार्थ हल्का होगा और इसीलिए ऊपर की ओर बहेगा। इसके पीछे का कारण है मेंटल के पदार्थ के गतिमान होते समय तापमान में बदलाव। इस दौरान ठंडी चट्टानें सख्त हो जाती हैं और हिलने की संभावना कम होती है, वहीं गर्म चट्टानें गर्म होते ही तरल होने लगती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के बदलाव में कुछ असामान्य टेक्टोनिक गतिविधियां हो सकती हैं। खगोलविदों का कहना है कि ग्रह पर जहां भी पदार्थ ऊपर की ओर बहेगा, उसी हिस्से में ज्वालामुखी गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। यही वजह है कि वैज्ञानिक सुझाते हैं कि LHS 3844b का एक गोलार्ध पूरे ज्वालामुखी से ढका होगा और ये सब ग्रह पर चरम तापमान के विरोधाभास के कारण होगा। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल्स लेटर्स में प्रकाशित इस अध्ययन के शोधकर्ताओं ने कहा है कि हमें अभी और ज्यादा शक्तिशाली टेलीस्कोप का इंतजार है, जिसमें वे LHS 3844b के बारे में अधिक से अधिक आंकड़े हासिल कर सके। इससे वो इस बात की पुष्टि कर सकेंगे कि क्या वाकई में इस ग्रह का आधा हिस्सा ज्वालामुखियों से ढका है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। नमस्कार, मिलता हूँ नए वीडियो के साथ।